नमस्कार, आप देख रहे हैं टी एफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। इस वक्त हम श्री अमरनाथ यात्री का जो आधार शिविर है भगवती नगर में यात्री निवास, वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल तैयारियां जो हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और सिक्योरिटी का भी यहां पर जायज़ा लिया जा रहा है और यहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं यहां पर सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं यहां पर जो काम था, लगभग यात्रियों की जो सुविधाएँ हैं वो लगभग अब ख़त्म हो चुकी हैं और यानी कि जो सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी है यात्रियों के लिए वो तैयारियां लगभग पूरी हुई हैं। और आपको बता दें कि अब जो 30 जून को ये पहला जत्था यहां से निकलेगा, 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। पहली बार है जब 62 दिनों की ये यात्रा होगी और बड़ी संख्या में यात्रियों के जम्मू कश्मीर में पहुंचने की संभावना है। और जो यात्री निवास भगवती नगर में बनाया गया है, यहाँ पर हर तरीके की ज़रूरी सुविधाएँ जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाने का पूरा प्रयास है, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी विंग भी अब मौजूद है और धीरे धीरे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सीआरपीएफ या अन्य जो सुरक्षा बल होते हैं वो यहाँ पर अब पहुँचेंगे और सारे जो यात्री निवास है इसकी घेराबंदी होगी, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए जाएंगे। और आपको एक बार फिर बता दें कि 1 जुलाई से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में श्री अमरनाथ यात्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे और इस बार जो है वो यात्रा सफल बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से हर ज़रूरी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यहां पर आने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो। कैमरामैन नवीन सूदन के साथ ऋचा चन्ना, टी एफ इंडिया।